इंटर कॉलेज के अंदर कम से कम 12,000-15,000 लोग देगे चढ़ गई थी। योजना बन गई थी कि रात्रि को एक पार्टी इधर से चलेगी, दूसरी इधर से चलेगी और आधी से ज़्यादा बरेली को फूंक देंगे। तब क्या हुआ, कर्फ्यू लगा था। मैं इसको बहुत उचित नहीं मानता हूँ। ये किसी भी कीमत पर प्रशासन आता और जाता है। मौलाना ने भी फिर से ऐलान किया है कि अगर हिंदुओं के खिलाफ जो सामग्री मारपीट की गई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से धरना देंगे, फिर से गिरफ्तारी करेंगे। देखो, मैं किसी के इंडिविजुअल बयान की बात नहीं करता जब तक अपने कानों से न सुनूं और आंखों से न देखूं। लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि किसी भी कीमत को बरेली को अशांत नहीं रहने दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मेरे यहाँ कभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दिया। मैं चाहता हूँ कि बरेली उसी आधार पर चले, उसी धार्मिक सिद्धांतों पर चले, उसी भाईचारे को पर चले जिसमें ये दिखाई दिया। उन्होंने बाकायदा कैमरों के सामने जो है नोटा सिंगल एफआईआर बाकी रजा के पति नहीं है, 188 का मुकदमा भी कायम नहीं। क्या कहेंगे, फेलियर है ये? सर मौलाना तौकीर रजा पहले ऐलान करते हैं और फिर 15,000-20,000 शब्दों पर उतारते हैं। 15,000-20,000 उनके कहने से नहीं आते। अगर उनके कहने से आते तो मेयर जीत जाता। उनके कहने आते थे उनकी पार्टी का इत्तेहादी मिल्लत का जो है वो सवासद जीत रहे होते। तो क्या लग रहा है, कोई और पर्दे के पीछे सपोर्ट कर रहा है उनको? ये तो आप लोगों का विषय, मैं तो नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बरेली को जो है वो धर्म से न जोड़कर धार्मिक अंधता को आड़ लेकर राजनीतिक गोटियाँ सेकना नहीं चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक शब्द कहे कि आप लोग अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराएंगे, कोई शिकायत करेंगे? क्योंकि आम व्यक्ति अगर कुछ करता है तो कोई ना कोई आपका कार्यकर्ता थाने पहुंच जाता है। मैंने कहा है ये बात, मैंने अपने स्तर से अपने वरिष्ठ जनों को बता दिया। वो विचार कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास। मौलाना तौकीर रजा ने अपने समर्थकों का बचाव करते हुए कहा है जो भी उत्पाद हुआ, जो पकड़ा हुआ, वो हिंदू आतंकवादियों ने किया। वो इनको पता है, उनको पता होगा, वो जानते हैं हिंदू आतंकवादी कौन है। आपके ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जो भी दंगा हुआ वो आपके आपके निगाह पे हुआ है। हर कहने वाले की बात को कहा नहीं जा सकता, जो मर्जी ऐसा कहेगा। जिला प्रशासन मौलाना तौकीर अभी आप उनसे पूछो ना, क्यों नहीं की जा रही है? आपको पता है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनकी जो मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी पार्टी के लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। वहाँ की पुलिस ने, जो हमारी है, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर उनके खिलाफ जो है वो FIR लेकर और कार्रवाई की। थॉट में कई लोग प्रकार के होते हैं। आपके आपके अनुसार क्या कार्रवाई से मैं आपको एक बात और पते की बोल, मेरी बात पूरी हो जाए। थॉट में ये कहा गया है कि बुद्धिजीवी चार प्रकार के होते हैं। एक देखकर अपने को ठीक कर लेते हैं, एक बताने पर ठीक करते हैं, एक ठोकर खाने पर ठीक करते हैं और चौथा तो ऊपर वाले शरण में जब जाते हैं तभी ठीक होते हैं। दृष्टांत हैं, सब चीज़ें हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा यही है कि जिस कुल के वो हैं उस कुल के नाम को रोशन जो है और करें, ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। पूरे पूरे दंगा हुआ उसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा, भाई ये मेरे को नहीं पता है। आपके मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसमें? वो जो करना है पार्टी ने कर लिया। सर, सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह आपकी सरकार है। पिछले 2 साल में मौलाना तौकीर ने 6 बार शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। स्कूलों की छुट्टी हो गई, पूरे शहर में अफरातफरी का माहौल हो गया। इसके बावजूद प्रशासन ने धारा 144 लगे होने के बावजूद अभी तक कोई FIR नहीं की। पांडे जी, मैंने अभी कहा ना, उस समय तो कर्फ्यू लगा हुआ था और कर्फ्यू में इस्लामिया इंटर कॉलेज में और ये आज़ाद इंटर कॉलेज में कितने हज़ार लोग इकट्ठे हुए। अगर मेरी कालीवाड़ी के लोग ना होते, गंगापुर और शिकलापुर और उधर के लोग ना आए होते, जो आपने भी देखा है आंखों से, सब लोगों ने देखा है भाई शंकर खड़े, अगर वहाँ के महिलाएं और बच्चे सड़क पर ना आए होते तो उस दिन बरेली रहती, ये सब बरेली ख़त्म।